हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश गंगवार और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़रूरी सूचना जो कि काफ़ी लंबे समय से जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में और बहुत सारी दूसरी पेंडिंग वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन के बारे में। तो हम इस पे बात करने की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए इस बारे में शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस बारे में आपको बता दूं कि अभी तक 2022 में जो भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज निकली थी, काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार वो डेट कब आएंगी जिस दिन एग्ज़ाम में हम लोग बैठेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि डेट अभी तो निश्चित नहीं हुई है लेकिन निश्चित होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसलिए तैयारी पर फोकस करें, तैयारी स्ट्रांग रखें अपने पहले से, एग्ज़ाम की डेट ना आने से कोई भी अपनी तैयारी में ढील ना डाले। तो बात करें कि मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि लगभग एक आध महीने के अंदर ही अंदर जो भी डेट्स हैं वो घोषित हो जाएंगी। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला रीज़न मैं देना चाहूँगा कि अभी कुछ पिछले 2-3 महीनों से जो देखा जा रहा है, स्पेशली हम देखें तो लोकसभा इलेक्शंस के बाद, कि मोदी सरकार या फिर यूँ कहें स्टेट में योगी सरकार काफ़ी एक्शन में आ गई है। वो पेपर पे पेपर कराने के लिए अब सोच रहे हैं, जैसे कि पुलिस एग्ज़ाम भी हो चुका है री एग्ज़ाम, और इस बार काफ़ी सख्ती से हुआ। अगली जानकारी मैं ये देना चाहूँगा कि जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सितंबर में शिक्षक के हज़ारों पदों पर भर्ती के लिए मिलेगी हरी झंडी, अभी ये पिछले लगभग एक हफ्ते पहले की सूचना है। और जैसा कि आप इस नीले घेरे में देख सकते हैं, इस माह के अंत तक शिक्षा सेवा चयन आयोग को नए अध्यक्ष मिलने की उम्मीद, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो वैकेंसीज पेंडिंग हैं जिनका मतलब डेट्स पेंडिंग हैं वो इसी वजह से लटकी हुई हैं कि चयन आयोग का गठन नहीं हो पा रहा था। तो अब चयन आयोग का गठन तो हो गया है, केवल अध्यक्ष मिलने की उम्मीद अभी बाकी है। तो अध्यक्ष बहुत जल्दी मिल जाएंगे या यूं कहें मिल चुके हैं, और अध्यक्ष मिलते ही सारा काम स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप अपनी तैयारी में ढील ना दें। ठीक है, दूसरी जानकारी मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आपको अश्योर करना चाहूँगा कि आखिरकार क्यों जो डेट्स हैं बहुत नज़दीक हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कीर्ति पांडे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की पहली अध्यक्ष, यानी कि जो अभी नया आयोग बना है उसकी पहली अध्यक्ष बनी है। जैसा कि मैंने कहा था कि जो पिछली कुछ सूचना थी एक हफ्ते की पहले, उसमें कहा गया था कि मिलने की उम्मीद है, और ये 2 सितंबर का न्यूज़पेपर है जिसमें आप देख सकते हैं कीर्ति पांडे जो अध्यक्ष बन चुकी हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की शिक्षक और कला संकाय के डीन कीर्ति पांडे तो बन चुकी हैं। और बहुत ही जल्दी, फिर देखिए आप अगला हेडिंग देख सकते हैं, 13 लाख युवाओं का खत्म होगा इंतज़ार, टीजीटी पीजीटी के 4100 से अधिक व प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। तो इसका मतलब है बहुत ही जल्दी जो है शुरुआत होने वाली है, डेट्स आने वाली हैं। फ्रेंड, तैयारी में जुट जाइए, कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर भी पड़ी हुई है और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, स्ट्रेटजी कर सकते हैं, तो वो एक वीडियो मेरी और पड़ी हुई है, हाउ टू प्रिपेयर या हाउ टू सॉल्व, हाउ टू पास टीजीटी एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसमें जो सटीक जानकारी है वही मैंने आपको उपलब्ध कराई है, किसी झूठे थंबनेल के माध्यम से मैंने आपको चैनल पर नहीं बुलाया है। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर करें अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ और स्टडी में लगे रहिए, जुटे रहिए, बेस्ट ऑफ लक आपके साथ, ज़रूर बहुत अच्छा होगा, आप मेहनत करते रहिए।